तो सनातन गोस्वामी को आदेश किए हैं कि तुम जाओ वृंदावन, जा करके दोनों भाई वैराग्य साधन और भक्ति ग्रंथ प्रणयन, इस तरह से जगत उद्धार के लिए, प्रेम धर्म प्रचार के लिए दोनों वृंदावन रह करके भजन करो। अब सनातन गोस्वामी के तो मन नहीं है जाने का, क्योंकि भजन करेंगे किसके लिए? भगवत प्राप्ति के उद्देश्य लेकर के ही तो भजन करते हैं। और जो पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम अवतार पुरुषोत्तम परम पुरुष सामने है, जो उपलब्ध है, सामने विराजमान है, उनको छोड़ करके जंगल में जाएंगे किसके लिए? अब जिनकी प्राप्ति के लिए जंगल जाना है, जिनको प्राप्ति के लिए हमको साधना करना है, वो साक्षात विराजमान है। अब उनको छोड़ करके जंगल जा रहे हैं, बताओ कितने दुख की बात है। जिनकी प्राप्ति ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, और वो परम पुरुष पुरुषोत्तम सामने विराजमान है, आप कह रहे हैं तुम जंगल जाओ। जंगल जाएंगे किस लिए? क्या करने के लिए जाएंगे जंगल? वृंदावन, वो तो वृंदावन चंद्र साक्षात ब्रज बिहारी राधा कृष्ण जुगल मिली तो तुम्हें विराजमान है सामने, आप किसको प्राप्ति के लिए हम जाएंगे वृंदावन? वो तो विराजमान ही है, क्या करें? महाप्रभु ने आदेश किए हैं, जाना पड़ेगा। लुप्त तीर्थ उद्धार, भक्ति ग्रंथ प्रणयन आदि कार्यों के लिए, तत्सहित साधक को वैराग्य शिक्षण साधन प्रणाली शिक्षा के लिए जाना जरूरी है, क्या करेंगे? मन तो नहीं मान रहा है, मन तो चाहता है कि प्रभु के साथ हम भी चलेंगे जगन्नाथपुरी, जा करके उनके चरण सान्निध्य में रहकर अपने जो सारा जीवन हमने जो भूल किए हैं, भूल को आप शोधन करेंगे, उनके चरण सान्निध्य में रह करके अपना जीवन को परिशुद्ध करके हम उनके सेवा में रत रहेंगे। लेकिन ऐसा तो होना संभव नहीं है, फिर भी महाप्रभु आदेश किए हैं, जा रहे हैं वृंदावन के, वो राजपथ लेकर, राजपथ पकड़ करके जा रहे हैं वृंदावन। इच्छा है कि हमारे भाई, छोटा भाई रूप गोस्वामी भी वहाँ है, दोनों मिलकर के ठीक है मन को बहलाएंगे, प्रभु को छोड़ के जा रहे हैं, उनकी विरह दशा, वो दशा से मुक्त होने के लिए दो भाई हरि कथा हरि कीर्तन करके आपस में हरि रस आस्वादन करके जीवन को व्यतीत कर देंगे। उनके वृंदावन उतना आकर्षण के प्राण केंद्र नहीं है, कारण इसलिए कि महाप्रभु जो वृंदावन बिहारी श्रीनंद नंदन जुगल मिलित तनु साक्षात यहाँ है, इसलिए वृंदावन उनको उतना आकर्षण नहीं कर पा रहा है। लेकिन जाना पड़ेगा वृंदावन, वृंदावन जाएंगे, वृंदावन चंद्र ही नहीं है, राजपथ से जाना पड़ रहा है, जा रहे हैं, बड़े कष्ट स्वीकार करके आए हैं, जो भाई हमारे रूप गोस्वामी रूप से मिलेंगे, दोनों हरि कथा आलोचना के माध्यम से, शास्त्र कथा चर्चा के माध्यम से जीवन व्यतीत करेंगे, ये आशा लेकर के वृंदावन में आ रहे हैं। और इधर रूप गोस्वामी पास उनका मन नहीं लगा, अरे साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम विराजमान है जगन्नाथपुरी में, रह रहे हैं क्या वृंदावन? ठीक है, ठीक है, अच्छा है, उनका भी मन नहीं लग रहा। रूप गोस्वामी पद उनको बोल दिए हैं तुम वृंदावन जाकर भजन करो, और रूप गोस्वामी पद का भी ठीक सेम एक ही अवस्था है, मन की स्थिति है कि यहाँ प्रभु जब विराजमान है जगन्नाथपुरी में जा रहे हैं, यहाँ क्या रह करके क्या करें, चलो उनके सान्निध्य में जा करके कुछ दिन तो अपने चित्त को बहलाएंगे, उनके चरण सान्निध्य में रह करके वो प्रेम रस आस्वादन करने में समर्थ हो जाएंगे, उनके कृपा बल पर, हमारे साधन से तो वो संभव है नहीं, उनकी कृपा से प्रेम रस आस्वादन करके चित्त को हम परिशुद्ध करेंगे,
ऐसे आशा लेकर के जमुना किनार 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 वृंदावन से रवाना हुए हैं। वहाँ से गंगा किनार में जहाँ संगम है, इस तरह से जमुना किनार से ही चलना शुरू किए हैं। इधर बड़े सड़क पक्की सड़क से जा रहे हैं रूप सनातन गोस्वामी पाद, इसीलिए दोनों का मिलन हो नहीं पाया। आप वृंदावन जाके सुनते हैं जो अनुपम वल्लभ और रूप गोस्वामी दोनों भाई चले गए, सुन करके तो और सुनना हो गया बिल्कुल जी। वृंदावन अब जैसे नीरस लग रहा है, हमारे भाई भी चले गए, वो भी देखो महाप्रभु के चरण सान्निध्य प्राप्ति के मानस लेकर के वो भी चले गए हैं जगन्नाथपुरी, तो हम कैसे रहेंगे यहाँ अकेला। तो वृंदावन धाम में तो रह रहे हैं सनातन गोस्वामी, मन लग नहीं रहा है, द्वादश वन भ्रमण कर रहे हैं, आज ये वन काल वो वन पशुओं वन वनभूमि वन प्रदेश था उस समय वृंदावन, वर्तमान जैसे जो लोकालय ऐसा नहीं था वृंदावन उस समय, वृंदावन तो वन ही था, बीच बीच में कहीं कहीं छोटी छोटी गांव जहाँ ब्रजवासी विराजमान थे, ब्रजवासी रहते थे अल्पसंख्यक ऐसे। वृंदावन की वो स्थिति अभी अकल्पनीय अचिंत, हम भी आकर के आज से 40 साल पहले आकर के हमने जो स्थिति देखी है वो अभी भी कल्पना के अगम्य है, अभी हम कल्पना भी कर नहीं सकते। ये वृंदावन में ये बरसाना में 40-42 साल पहले हम जब आए हैं, हम बरसाना मंदिर से सुने हैं गहबर वन, चलो गहबर वन जाएंगे, तो हमारे साथ एक लड़का था उसको ले आए थे बंगाल से हमारे साथ, चलो दोनों वृंदावन दर्शन करेंगे। उस समय हम नौकरी करते थे, छुट्टी लेकर आए हैं, बरसाना मंदिर में आकर के दोपहर के समय गहबरवन दर्शन के लिए मंदिर से सीधा जंगल जंगल चले गए, निकल गए, संध्या हो गया जंगल में भटक गए, गहबरवन मिला नहीं, कहाँ खो गए, इतना जंगल था। 2 बजे लगभग हम लोग चले हैं गहबरवन जाएंगे, संध्या हो गया जंगल में भटकते रहे, गहबरवन मिला नहीं। ये मैं अपनी बात कह रहा हूं, ऐसे स्थिति थी उस समय। और कितना वन सुबह इतना सुंदर, हम जब पहले डुमुन बन गए, डुमुन बन की शोभा देख करके हम ऐसे मोहित हो गए, हम तो चिंता करने लगे कि ये भूमंडल में इतना सुंदर वन शोभा अभी भी देखने को मिलता है क्या, ये सत्य है। तो राजा ने राधा कृष्ण जब विराजमान थे, कृष्ण जब भूम लीला किए हैं उस समय की सरोडित वन सुने हैं ना जाने वो कैसे था उस समय, अद्भुत अद्भुत शोभा, अवर्णनीय शोभा। एक कुंड था वही डुमन वन में, कुंड के किनारे में थोड़ा बंधा हुआ था, वहाँ गए कोई लोग नहीं जन नहीं, चारों ओर जंगल ही जंगल, कितना सुंदर स्वच्छ पानी और कितना तरह के पक्षी, छोटे छोटे हाँस, कितने तरह के पक्षी उसमें तैर रहे हैं खेल रहे हैं, कितना सुंदर दिव्य। और हम बीच बीच में हम प्रेम सरोवर रहते थे, वहाँ से माला झोली लेकर सीधा चले जाते थे डोमन वन, वहाँ कुंड के किनारे में वहाँ बैठ करके चुपचाप एकांत में, कोई लोग नहीं जन नहीं कुछ नहीं, अति सुंदर अद्भुत वन शोभा, वहाँ बैठ के भजन करते थे संध्या तक, बहुत दिन ऐसे करते थे। और अभी एक दिन हम डुमन वन दर्शन के लिए गाड़ी में कहीं आ रहे थे, बोले चलो डुमन वन जाएंगे, गाड़ी ले गए डुमन वन, वहाँ देखते हैं कि गृहस्थी यहाँ बस रहे हैं,
वन जंगल फंगल कुछ है नहीं, खेत है, ये है, माने लोग जान चल रहे हैं, किसान लोग काम कर रहे हैं, आके गाड़ी रुक गया। बोलते बाबा उतरिए, डुमन मन आ गया। बोला अरे है ये कहाँ डुमन मन है, ये कहाँ ले आया? बोलते यही तो डुमन मन है। हमने माता खराब हो गया, ये डुमन मन, हम डुमन मन देखा नहीं। कितने साल बाद गए, कितने साल बाद? मैंने ये बरसाने में आने के बाद ही एक दिन गए थे। अच्छा। वो कुंड पे गया देखने के लिए, पानी नहीं, बिल्कुल सूखा है, एकदम सूख गया है, कोई पक्षी नहीं, कुछ नहीं, जल गया जैसे वृक्ष लता जैसे जल गया। इतना कष्ट हुआ मन में, हाय रे, ये वृंदावन की ये स्थिति। लीला शक्ति अपने लीला शक्ति को संकोचन कर लिया, सुंदरता को अपहरण कर लिया। हम बोले आप कभी नहीं जाएंगे डुमन बन दर्शन के लिए, हो गया, बदल गया सब। प्रेम सरोवर हम रहते थे, कितना सुंदर जंगल था। हम दोपहर के समय माला लेके, आज से 35 साल पहले माला लेके जाते थे, जंगल में इतना सुंदर हरियाली, इतना सुंदर सब कदम के वृक्ष, कितना सुंदर वृक्ष राजी, फल फूल आदि, वहाँ बैठ करके हम भजन करते दोपहर के समय। अभी देखते हैं वहाँ उस सुबह तो कुछ सही नहीं, यार बामूर है, बामूर जैसे भूत रहता है। अरे ये क्या हो गया, ये तो ऐसा तो था नहीं। ऐसे जो लीला शक्ति जो है ना, अपने चिन्मयी शक्ति जो सुंदरता जो थी ना, उसको अपहरण करके ले लिया। क्योंकि कलयुग जीव ऐसे सब, हम जैसे सब भ्रष्टमती, जिस कारण लीला शक्ति अपने वृंदावन के शोभा को अपहरण करके, आप प्राकृत जैसे एक साधारण जैसे यहाँ कोई रहता ही नहीं, कोई लीला कभी हुई नहीं, ऐसे देखने में लगता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। पहले ये कीकर नहीं थी इस तरह, ये कीकर जो ये नहीं थी पहले, हम जब आए तो कीकर ही कीकर था, कीकर माने बामूर। हाँ, ना बामूर फामूर नहीं था, कहीं बामूर इनका नाम निशान नहीं था। ओ, कहीं बामूर का नाम निशान नहीं था। कदम, फिर तुम्हारा ये जो पीलू और हरियाली, चारों ओर हरियाली, सब हरियाली, बीच बीच में इतना सुंदर शोभा, खरगोश आदि कितना सुंदर विचरण करते, स्वाधीन। एक दिन हम बैठे प्रेम सरोवर में, एक सुंदर जगह, बेश सुंदर मनोरम, बड़ा मन मोहित करने वाला इतना सुंदर स्थान, बैठ के भजन कर रहे हैं। हमारे सामने ये बाबा बैठा है ना, इतना बड़ा खरगोश सफेद, बैठ करके चुपचाप बैठा है, जाता ही नहीं। हम नाप कर, हम राधे 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 कर, वो मुंह हिला रहा, इधर उधर कर रहा, जाता ही नहीं। हिंसा भी था नहीं, अभी क्या हो गया। वो प्रेम सरोवर में कहे कि दिन इतना बड़ा अजगर, इतना विशाल एक अजगर, अजगर देखा। देख करके अजगर तो घबरा गया, हम भी पहले थोड़ा भय पा गया, फिर सोचा नहीं तो वृंदावन है, ये तो ऐसा तो है नहीं, ये तो हिंसा तो यहाँ है नहीं। फिर अजगर फिर इधर उधर करके फिर सीधा चला गया ऐसे वृंद। तो उस समय जब सनातन गोस्वामी आए थे तो ना जाने कैसी स्थिति थी, कितना सुंदर वन शोभा, कौन अवर्णनीय, कौन कह सकता है। उस समय सिर्फ भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर ही सब वृंदावन में संत लोग भजन करते थे। उस समय वृंदावन में रहना बहुत कठिन था, खाने का नहीं, पहनने का नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ भजन भजन करना ही एकमात्र उद्देश्य लेकर के जो आते थे, त्याग वैराग्य लेकर के जो आते थे, जो निष्प्रिय निर्लिप्त होकर के जो भगवत प्राप्ति उद्देश्य लेकर के वृंदावन में आते थे, वही लोग श्री वृंदावन में रहकर भजन करने में समर्थ थे। वर्तमान समय हम जैसे नहीं, जो खाना चाहिए, बढ़िया रहना चाहिए, हर तरह की सुविधा चाहिए, तब जाके भजन करेंगे। घर में कूलर चाहिए, एसी चाहिए, गर्म में भजन होता नहीं है, ऐसा सुविधावादी भजन उस समय नहीं था। तो सनातन गोस्वामी आए, आकर के
एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि वास, एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि वास, कभु चानाचर्बन कभु उपवास। सेरा कथा नरा माथा मुखे कृष्ण गुण गाथा परिधाने सेरा बहिर्वास, कखनो बनेर शाग अलबने करी पाक मुखे दिन दुई एक ग्रास। कैसे वैराग्य, किस तरह से भावना लेके आए हैं वृंदावन में। राजमंत्री सनातन कौन सा खानदान से आए हैं, राजा थे हैं? कैसे वैराग्य। ये वैराग्य जब तक नहीं होता है तब तक जाकर के वो प्रेम अनुभव करना कदापि संभव नहीं है। ये अनाशक्ति जब तक नहीं आती है तब तक जाकर के कहाँ वो प्रेम, प्रेम प्रेम मुंह में शब्द में कहते हैं लेकिन उसको आस्वादन करनी साधारण थोड़ी है। भीतर में भोग स्प्रिया, बाहर में बड़े बड़े बात करते हैं हम जैसे, इसमें तो कुछ होगा नहीं। एक एक वृक्ष तले एक एक रात्रि वास, एक वृक्ष के नीचे एक एक रात व्यतीत करती थी। कबू चानाचर्बन कबू उपवास, खाने का तो है नहीं, था नहीं। एक खाने के लिए अगर प्रसाद पाने के लिए कुछ जरूरी हो तो जाना पड़ता था उस समय मथुरा, मथुरा से जमुना तक कहीं कोई लोकालिटी था नहीं। शेर भालू जब हिंगस्त्र जानवर रहते थे, सिर्फ अक्रूर घाट जो था वहाँ पर दो चार घर था उस समय, अक्रूर घाट ऐसे वर्णन है, बाकी सब जंगल जंगल। तो खाना खाना कहाँ मिलेगा, अब खाने के लिए चलो मथुरा, चलो मथुरा तक जाना पड़ेगा। तो भिक्षा उक्षा करके थोड़ा चाना उना ले आते थे, उसको खा करके जमुना पानी पी करके भजन करते थे। कबू चाना चर्पण कबू उपवास। छेरा काथा नैड़ा माथा मुखे कृष्ण गुण गाथा परिधाने छेरा बहिर्वास। छेरा कंथा मैंने कंथा है ना, जो कपड़ा जोड़ करके जो कंथा बनाते हैं, मुंडित मस्तक मुख्य कृष्ण गुण गाथा, मुख में हरि नाम हरि कथा हरि गुणानुवाद हरि कीर्तन, परिधाने छेड़ा बहिष्वास। कपड़ा कहाँ मिलेगा, अभी का अभी जैसे थोड़ी है सेटा करके ले 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 लो घर भर के कपड़ा भर के दे जाते हैं। एक कपड़ा थोड़ा फटा नहीं, थोड़ा ये हो गया, दूसरा नया कपड़ा ले लिया, कपड़ा बहुत है, थोड़े से दाग लग गया, ये चलता नहीं है, लोग क्या कहेंगे, एक सुंदर कपड़ा चाहिए, बढ़िया छाट करके ले रहे हैं, हम तो कमाई किया होता है नहीं, हमारा ऐसे बैराग है। लेकिन परिधाने छेरा बहिर्वास, फटा पुराना। कखनो बनेर साग अलबने कोरी पाक मुखे दिन दुई एक ग्रास। भूख लग गई आप क्या करेंगे, जंगल में घास पत्ता बहुत ऐसा है खाने लायक, जो शरीर भी पुष्ट रहता है और नुकसान भी नहीं, ऐसा बहुत लता पता बहुत सारे है। तो कभी भूख लग गया तो वो कोई चपटा उपटा कहीं के ढूंढ लेते थे, उसको जमुना में धो करके अग्नि प्रज्वलन करके उसमें पानी दे करके और वो पत्ता डाल करके उबाल लेते थे, नमक तो था ही नहीं। कखनो बनेर साग अलबने करी, अलबने माने लवण नहीं, लवण माने नून नमक, बिना नमक का उबाल करके खा लेते मुख दें दो या ग्रास। कैसी जीवन, इस तरह से द्वादश मन भ्रमण करती थी। मन नहीं लगता है, भैया चले गए हैं, भैया चले गए हैं जगन्नाथपुरी महाप्रभु को दर्शन करने के लिए। अब भैया रहने से थोड़ा मन को बहला लेते, लेकिन भैया भी चले गए, यहाँ कोई है नहीं। अब महाप्रभु जो पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान पुरुषोत्तम वो विराजमान है जगन्नाथपुरी में, हम यहाँ जंगल में किसके अनुसंधान कर रहे हैं, मन लग नहीं रहा है। आप सोच रहे हैं चलो आप प्रभु से एक बार मिल के आ जाए, मिल के फिर जाके भजन में बैठेंगे अच्छी तरह से। अब मन नहीं लग रहा, अब चंचल हो रहा, भैया भी नहीं है, भैया कब आएगा। उस समय तो
टेलीफोन तो आजकल वर्तमान जैसे नहीं था जो फोन करके जान लो कहाँ है कौन कहाँ है, ऐसे सुविधा, इतना भजन का इतना सुविधा, इतना हर तरह से सुविधा, उस समय तो सुविधा थी नहीं, असुविधा ही असुविधा, असुविधा के अंदर ही भगवत प्राप्ति किया है। अभी बहुत सुविधा के अंदर कुछ मन लगता नहीं, गर्मी है मन लगता नहीं, ठंडी है मन लगता नहीं, पंखा चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, बढ़िया बढ़िया खाने का चाहिए, क्या होगा। तो इस तरह से सनातन गोस्वामी वन भ्रमण करते करते मन चंचल हो गया, जो आप चलेंगे जगन्नाथपुरी, प्रभु से एक बार मिल करके, फिर भैया से भी मिल करके, अगर मिल जाए तो अच्छा है, भैया को लेकर के फिर आ जाएंगे, फिर जाके भजन में बैठेंगे। अब हमको मन नहीं लग रहा है, यहाँ वृंदावन में अच्छा नहीं लग रहा है, और एक बार जाएंगे हम, ऐसे भावना लेकर के सनातन गोस्वामी फिर चल दिए हैं जमुना किनार 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 जा करके झारखंड का रास्ता पकड़ लिए हैं, जो कि जहाँ से महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए हैं, सुने हैं महाप्रभु ने झारखंड के रास्ते से जगन्नाथपुरी गए हैं, तो हम भी ऐसा ही जाएंगे, जिस तरह से महाप्रभु गए हैं दिशा लेकर के, हम भी ऐसा ही जगन्नाथपुरी पहुँचेंगे। तो वो इतना तो सहज तो नहीं था, महाप्रभु भगवान हैं जा सकते हैं, लेकिन ऐसे जाना चलना सब संभव थोड़ी है, खाना नहीं पीना नहीं, जंगल काटा झाड़ झोप ये सब सर्वथा चलने में असमर्थता, हर जगह हर स्थान पर हर स्थिति में ऐसा तो संभव नहीं है, फिर भी गए हैं नाना जगह के नाना प्रकार खाना उना जंगल की फल मूल खा करके, जहाँ तहाँ के पानी पी करके चर्म रोग हो गया, एकदम बिल्कुल जैसे कोड़ी हो गया शरीर में, ऐसे चर्म रोग हो गया जैसे मेवाद गिरता है, देखने में ऐसे कुरूप हो गए हैं। देखिए कैसे शिक्षा देते हैं, भगवान के पार्षद हैं, लेकिन फिर भी लोक शिक्षा के लिए जो ऐसे होता है, शरीरधारी मनुष्य को बहुत सारे आदि व्याधि उपाधि का सामना करना पड़ता है, इसमें घबराना नहीं चाहिए, ये शरीरधारी मनुष्य मात्र ही सबको ही ये सामना करना पड़ता है, ये शिक्षा देने के लिए प्राकृत मनुष्यवत ऐसे लीला कर रहे हैं भगवान के पार्षद। फिर जगन्नाथपुरी में पहुँचे हैं, जगन्नाथपुरी में जब पहुँचे हैं तो यहाँ वर्णन मिलता नहीं है, क्या रूप गोस्वामी से मिले हैं कि नहीं, कोई कहते हैं रूप गोस्वामी से मिले हैं जगन्नाथपुरी में, कोई कोई कहते हैं रूप गोस्वामी फिर रावणाव के वृंदावन चले आए, रूप गोस्वामी भैया मिले नहीं, भैया फिर वृंदावन के लिए चले आए दूसरे रास्ते से, तो ठीक है भैया नहीं मिले, महाप्रभु तो मिल गए हैं, महाप्रभु देखते ही सनातन के एकदम छाती में भर लिए हैं, और शरीर में जैसा कुंड रसा जो मेवाद गिरता था ना, वो महाप्रभु के शरीर में लग गया है, देख रहे हैं महाप्रभु, हंस रहे हैं, बहुत माना किए हैं प्रभु हमको छूए नहीं, प्रभु हमको स्पर्श मत कीजिए, हम स्पर्श के सदा सर्वत्र हम अयोग्य हैं, आपके स्पर्श के लायक नहीं है प्रभु, हमको स्पर्श मत कीजिए प्रभु, रो रहे हैं, बोलते हैं तुमको स्पर्श करके मैं अपने को पवित्र मानता हूँ, महाप्रभु कहते हैं मैं अपने को पवित्र मानता हूँ, और तुम कहते हो तुम्हारा गंदा शरीर है, हमको तो ऐसे दिव्य गंध आ रहा है तुम्हारे शरीर से, हमको ऐसा लग रहा है एक दिव्य गंध तुम्हारे शरीर से आ रहा है, सनातन हमको वंचित मत करो, तुमको छाती में भर करके हमको बड़ा आनंद आता है, अब क्या करें सनातन गोस्वामी आए हैं प्रभु के पास, लेकिन ऐसे स्थिति चर्म लोग लेकर के आए हैं, ना किसी के पास बैठना ठीक है, चले जाना तो संभव नहीं, आए हैं प्रभु के पास, अब मैं करूं तो करूं क्या, बहुत चिंता में पड़ गए। जब ही आते हैं महाप्रभु के पास, महाप्रभु छाती में भर लेते हैं,
बहुत दुखी हो गए हैं, अब करूं तो क्या करूं, तो सोच रहे हैं ये शरीर आप धारण करने लायक नहीं है, ना इसलोक ना परलोक, नहीं हमारी कोई गति नहीं, हम इतना पापी हैं, ऐसे दीनता दीनता आ जाती है, ऐसे सभी के लिए ये दीनता जब आती है तभी जाके भक्ति देवी कृपा करते हैं, जब तक दीनता नहीं आती है तब तक जाकर के भक्ति का अनुप्रवेश होना संभव नहीं है। अपना को हीन ज्ञान अयोग्यता बुद्धि, इसी में ही प्रेम, इसी में सर्वसिद्धि, हर स्थिति में अपने को हीन ज्ञान अयोग्यता, तो ऐसे हीन भावना आ गई है सनातन गोस्वामी के भीतर, अब चिंता कर रहे हैं क्या करूं क्या करूं, फिर काल हम लोग आगे चलेंगे, देखो सनातन गोस्वामी क्या करते हैं, महाप्रभु क्या विचार करते हैं। जय जय श्री राधे। सब हाँ।